रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बना रही हूँ दम का गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर के तैयार होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा दम का गोश्त कैसे बने। रहीम, तो देखिए मैंने एक ये मिट्टी का पॉट लिया है, आप चाहें तो इसे नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। हम आज दम का गोश्त बना रहे हैं बकरीद स्पेशल में। तो ये मेरे पास आधा किलो मटन है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है मटन, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये मैंने 5 प्याजें काट ली थी मीडियम साइज की, बारीक बारीक, ये हम इसमें डाल देंगे। सब कुछ इसमें एक साथ डाल करके हमें चढ़ा देना है, और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये दम का गोश्त बन करके तैयार होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, तो जिसमें मैं डाल देती हूँ 2 तेज पत्ता, ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, कुछ 4 से 5 लौंग है, 4-5 छोटी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही जाएंगे इसमें कुछ पाउडर मसाला, मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर करके पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, काली मिर्च का 1/2 टीस्पून पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। ये हम सभी इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भर करके 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून और डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जाए और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही जाएगा इसमें दही, तो ये 100 ग्राम दही है, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। और इसमें जाएगा हरा धनिया, पुदीना, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्च थी जिसे इस तरह से मोटा मोटा मैंने काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ा सा इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और जीरा, तो ये इसमें 1 टीस्पून के लगभग मैं ये डाल देती हूँ, ये डाल दिया मैंने। अब जाएगा इसमें नमक, तो डाल देते हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहीं पे जाएगा इसमें ऑयल, तो ये मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, तो ये ऑयल डाल दिया है। बस इसमें अब और कोई भी चीज नहीं जाएगी, सारी चीजें इसमें चली गई हैं, और अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पर। तो ये मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, तो यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इस पर जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। घड़ी देख करके आप इसे 35 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा। ये मटन है, इसे छोड़ देती हूँ 30 से 35 मिनट के लिए, तो मिलते हैं 30 से 35 मिनट बाद। लेकिन बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूंगी और इसे चलाती रहूंगी, अगर पानी कम होगा तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है, और अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं, 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब इसकी फ्लेम को हम हाई पे कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमारा दम का गोश्त बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बन करके तैयार हो गया हमारा दम का गोश्त, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है, और मैंने इसे पॉट में बनाया है, आप इसे खुले हुए बर्तन में भी बना सकते हैं। ये दम का गोश्त है इसीलिए इसे धीमी धीमी आंच पर पकाया जाता है, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बन करके ये तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।